मैं चला रहा हूँ अभी स्क्रैम 411 भाई। ये हो रही है पैराग्लाइडिंग और ये हो रही है यहीं वाली। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की ट्रिप में हम करने वाले हैं बाइक राइड और वो भी पहाड़ों पे। एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई। और हमने 3 बाइकें रेंट कर लिया और पांचों बंदे बाइकों से आज पूरी इटनरी कंप्लीट करने वाले। क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले। तो भाई रेडी हो चुकी है, हेलमेट, बाइक, चाबी और अपने थोड़े से छोटे से राइडिंग गियर लगा के देखो भाई सब निकल चुके हैं। राइडिंग गियर के नाम पे सिर्फ हेलमेट है हमारे पास। और भाई अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हमारे होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है ब्रो। ब्रेकफास्ट में छोले और भटूरे हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा तेल है, बाकी छोले भटूरे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी 10वां भटूरा खा रहा है अभी और उबली हुई चाय पी रहा है। 10वां भाई 7वां है। ये भाई दानिश भाई जिंदा होते लेकिन आज। भाई हमने ली है एक हंटर, दो हंटर थोड़ी सी कंडीशन में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, और एक लिए हमने लिए स्क्रैम 400 और एक और हंटर लिया भाई। दो हंटर और एक स्क्रैम लिए और अभी रेडी हो रहे हैं सारे भाई। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं अटल टनल के बाहर और अभी थोड़ी देर का हॉल्ट लिया यहाँ पे, ज़्यादा देर तो नहीं लिया। और क्या है बाइक थोड़ी हमने रेंटेड की है ना, तो बाइक का पिकअप काफ़ी कम है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको चलाते हैं तो उतनी मेंटेन अच्छे से नहीं रहती है। अपनी बाइक का अलग मज़ा होता है और ये रेंटेड है तो उसके हिसाब से है। तो अभी देखो भाई सामने अटल टनल का बोर्ड दिख रहा है, वेलकम टू अटल टनल। तो भाई अभी यहाँ पे रुके हैं और ये पहाड़ पार करके उस पार जाने वाले हैं और पहली लोकेशन होने वाली है केलोंग। इस अटल टनल को पार करके केलोंग की साइड चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। टनल क्रॉस करके आ चुके हैं। इतना लंबा टनल मैं बाइक पहली बार चलाया मैंने, बहुत लंबा टनल था, मजा आ गया। मनाली पहली बार आया तो पहली बार बाइक चला के मनाली पहली बार आया हूँ मैं वो भाई साहब। इतनी बड़ी गुफा खत्म ही नहीं होके तेरे जा रहे थे जाए। इसका भाई फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, कैसा था? बढ़िया था भाई, गुफा बिगर देन माय एक्स। बढ़िया डर लगा टनल्स पे, वहाँ टनल पे जो मोड़ थे ना उन पर बहुत डर लगा था, जो मोड़ रही थी कब बाइक। टनल के इस पार देखो क्या नजारा है भाई, वो देखो वो है पूरे 10 किलोमीटर लंबी टनल और यहाँ से अभी हम आए और यहाँ से हम निकलेंगे आगे। भाई रास्ता देखो कितना खूबसूरत है, आगे पूरा रास्ता भी अच्छा है और देखो भाई ऊपर से दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं, एक नंबर का व्यू है भाई। और पीछे छोटा सा झरना भी उधर, मस्त रास्ता है भाई। यहाँ आगे ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी जन्नत में आ गए। चला रहा हूँ अभी स्क्रैम 411, थोड़ी सी कंडीशन इसकी अच्छी नहीं है, बाकी बाइक बहुत एक नंबर की बाइक है, मस्त पिकअप है इसका। तो भाई केलोंग पहुंच चुके हैं और केलोंग में ये एक मोनेस्ट्री है, सहसूर करके मोनेस्ट्री है। तो अभी यहाँ से ऊपर है 5 किलोमीटर, क्या है कुछ अलग अलग अजीबोगरीब नाम है भाई। यहाँ से हम अभी ऊपर जाते हैं और देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है रास्ता, भाई एक नंबर है। और यहाँ से बीच में से एक रास्ता कट जाता है मोनेस्ट्री के लिए, अभी मोनेस्ट्री जा रहे हैं। सो भाई केलोंग की मोनेस्ट्री पे हम पहुँच चुके हैं और पीछे देखो भाई ये जो फ्लैग्स है काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो देखो एक बारी भाई, और यहाँ पे एकदम शांति से सुनो तो भाई अच्छी आवाज़ भी आ रही है इन फ्लैग्स की। ये देखो हम बाइक लेके आए हैं भाई, की हाल रास्ते रास्ते नहीं थे मौत की वो थी भाई। हाँ भाई मेन रोड से 5 किलोमीटर 5 से 6 किलोमीटर ऊपर आना है, ध्यान से आना भाई। तो भाई पीछे बाइक की पूरी हालत मिट्टी मिट्टी हो चुकी है और रास्ता भाई मतलब फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलेगी यहाँ पे, इससे ऊपर चलेगी नहीं, और पूरा पथरीला रास्ता है, स्लिप भी कर सकती है, तो बहुत सोच समझ के आना है। पूरा देखो उसको मिट्टी मिट्टी हो गई पूरी जैकेट में, ये देखो कैसे मिट्टी जम गई है। तो भाई एक बार अंदर चलते हैं देखते हैं कैसी है बताते हैं। ये कितने सुंदर लगते हैं देखो, उसको घुमाने में बहुत अच्छा लगता है।
मजा आ गया। भाई अगर केलोंग आ रहे हो तो ये सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है यहाँ की, यहाँ पे काफी सारे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बंदे थे उन्होंने बताया हमें, और यहाँ पे काफी पीसफुल प्लेस है, आके बिल्कुल सुकून से बैठो और इन नज़ारों का मज़ा लो। और सबसे सुंदर तो भाई मुझे ये फ्लैग्स लग रहे हैं, बहुत सुंदर जो हवा चल रही है ना, हवा चल रही है तो क्या मस्त आवाज़ कर रहे हैं भाई, दूर दूर तक पूरे में फ्लैग्स लगाए हुए वहाँ पे, और यहाँ से भाई नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा। भाई अभी ये कोई शुरू करके कैफे टाइप है, ये केलोंग के अंदर ही पड़ता है, काफ़ी अच्छा कैफे है उसको सुना है, तो चल के ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है खाने वाने का अंदर, और हम दिखाते हैं आपको भी। नहीं उधर कोने में भी अच्छा है, मैं धूप में तो गया हूँ, धूप नहीं है, धूप पड़ रही है। कैफे के साइड में कितना मस्त नज़ारा है, बाहर सिटिंग अरेंजमेंट में खाने का, और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से, देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है, और पूरा बाहर का एरिया भी बनाया हुआ है इन्होंने, और अंदर भी भाई काफ़ी अच्छा बनाया है। भाई कैफे एक नंबर का है, और भाई मज़ा आ गया, पीछे का व्यू देखो, और यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो, क्या मज़ा आएगा। शुर कैफे ना, ये देखो भाई अभी हमने थोड़ा सा नूडल्स वगैरह मंगाए हैं, फ्राइज़ वगैरह, और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, एक भाई वहाँ पे लगा हुआ, और यहाँ से नज़ारा देखो भाई साहब, एक नंबर का नज़ारा है भाई। तो भाई अटल टनल क्रॉस करके एकदम आए हैं, और अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई, हाथ पैर ठंड हो गए, और यहाँ पे जैसी बाहर निकले और इतनी तगड़ी धूप बाहर निकलते, मजा सा आ गया एकदम, जी सा आ गया भाई, हाँ ठंड तो बहुत थी भाई। भाई कुछ शायरी सुनाएंगे एकदम रोड के बीच में, सब लोग वाह वाह, इरशाद इरशाद शुरू करूँ? हाँ। जनाजे को मेरे रोक दो, मुझ में जान आ रही है, वाह। जनाजे को मेरे रोक दो, मुझ में जान आ रही है, वाह वाह। भाई साहब सामने जरा रोक देना, ठेके की दुकान आ रही है। भाई अभी आ चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली भाई काफी खाली पड़ी है, क्योंकि काफी ऑफ सीजन है इस टाइम पे, और देखो भाई हरियाली भी थोड़ी कम लग रही है यहाँ पे, और ये जो रोप वे हुआ करता था ना, ये वाला जो ऊपर लेके जाता था, अभी ये कुछ टाइम के लिए बंद किया हुआ है, दो तीन दिन के लिए कुछ काम वाम चल रहा है इस पर, और यहाँ पे भाई जो पैराग्लाइडिंग चलती है वो तो चल रही है भाई मस्त एकदम। भाई ये हो रही है पैराग्लाइडिंग, और ये हो रही है यहीं वाली, एक होती है ऊपर वाली, तो उसमें भाई और डिस्टेंस से कराते हैं, ये देखो ये शॉर्ट फ्लाई है, तो ये देखो अभी यहाँ से यू टर्न मारेगा कैसे, और यहाँ पे ब्रेक लगा देगा दोबारा से। अरे 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 अरे, ये तो ऊपर से जा रहे हैं भाई, ये देखो कैसे रोक दिया भाई ने। भाई सोलांग में ये सारी एक्टिविटीज भी होती हैं, और वो मिक्की माउस वाला बच्चों के लिए भी है, और भाई ये वाला बहुत खतरनाक होता है, ये वाला अगर करना चाहते हो तो, और भी हमको ये दीदी जी लेके जा रही हैं आगे, और आगे बता रही हैं कि जिप लाइन होती है बहुत अच्छी, तो देखते हैं कैसी जिप लाइनिंग है, बता रहे थे कि 600 मीटर की जिप लाइनिंग होती है, और 400 रुपये प्राइस बताया इन्होंने, बाकी देखते हैं करने के बाद कैसी है। भाई यहाँ पे हो रही है जिप लाइनिंग, थोड़ी दूर है वहाँ से सोलांग वैली की जो पार्क है, अंदर जाके होती है, और यहाँ देखो भाई कैसा रास्ता बनाया हुआ है, वो भाई खतरनाक है। ये दोनों रेडी हो गए हैं, रमाकांत और तैयब, देखो रमाकांत भाई और तैयब भाई करने वाले हैं जिप लाइनिंग, जाने का अलग है, आने के लिए फिर से जिप लाइनिंग बना रखी भाई इन्होंने, भाई एक्साइटेड हो कुछ तो एक्साइटेड बना दिखाओ, डर लग रहा है अरे कोई दिक्कत नहीं, चले आओगे चिल करो देखो भाई छोड़ दो इनको, फेंक दो नीचे, गए भाई साहब, इधर देखो देखो भाई बहुत दूर तक है भाई, काफी कितने मीटर की होगी भैया ये, 600 मीटर, ओ भाई 600 मीटर जाएंगे, 600 मीटर आएंगे इस वाली रोप से। We'll be right back.
मजा आ गया। जो जिप लाइनिंग करी ना भाई, दो साइड की करी है, 600 मीटर एक साइड, 600 मीटर एक साइड। छोटा ट्रैक भी था, एक थोड़ा हाँ, ट्रैक भी था। दूसरी साइड जाने के बाद पता चला कि थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रैक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्लैंट पे होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो इसलिए वहाँ पे भी ट्रैक करना पड़ा। लेकिन हाँ, वर्थ इट था, 400 रुपए लिए, वर्थ इट था। लेकिन वशिष्ठ टेम्पल, और यहाँ पे रास्ता है भाई गर्म पानी का, पूरा हॉट वाटर रहता है, और यहाँ पे टेम्पल है, आप यहाँ पे पूजा वगैरह कर सकते हैं, डोनेशन बॉक्स। और भाई वहाँ पे जो पानी है ना, बहुत गर्म पानी है, और एकदम नहा के मजा आ जाता है। इसकी वीडियो इतनी ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।